this video, perform the experiment are safe and you can easily try at your home. तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे। तो गाइस आज किस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आइसक्रीम। गाड़ी स्टार्ट कर। गर्मियों का टाइम चल रहा है और आइसक्रीम ना हो तो मजा नहीं आता गर्मियों का। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास है बहुत सारे ओरियो बिस्किट। अब ये ओरियो बिस्किट से मुझे आइसक्रीम बनाने का आइडिया क्यों आया है इसका मैं बताता हूँ कि जो दिलराज भाई है अपने, उन्होंने आइसक्रीम बनाई थी इससे, ओरियो आइसक्रीम। क्योंकि आपने शायद देखी होगी उसका, मेरे को उसमें पता नहीं आपने लेकिन देखी, लेकिन उस आइसक्रीम को उन्होंने कहा था बहुत ही अच्छी और उसको ऊपर ट्राई कर। तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कैसा लगे मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम उस आइसक्रीम को ट्राई करेंगे कि कैसी लगती है, क्या होती है, और फिर उसको अगर अच्छी होगी तो आप जरूर बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करना। तो ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और अपग्रेड हम करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पूरी ओके वो तो नहीं बनाएंगे आइसक्रीम। तो मेरे पास एक हैप्पी पी बिस्किट और है, उन्होंने ओरियो से बनाया था, हम हैप्पी पी बिस्किट है इससे भी आइसक्रीम बनाएंगे और इसका टेस्ट कैसा आता है वो भी चेक करेंगे। अच्छा, तो इस ओरियो इस आइसक्रीम को अपन बनाएंगे इन खाली डब्बियों के अंदर जो कि आइसक्रीम की है, और बाकी जो आइसक्रीम जो कि दिलराज भाई ने जैसा बनाई थी सेम वैसे वैसे इसमें बना लेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कैसा टेस्ट होता है, क्या आता है, क्यों देता, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो ऐसे मजे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और वीडियो के अंदर खर्चा बहुत आता है और मेहनत भी बहुत लगती है, बस इन सब के खाली बस एक लाइक कर दो तो हमारा दिल खुश हो जाता है और हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और सब्सक्राइब का बटन दबा देना लाल वाला और बेल आइकन को अलग पर क्लिक कर देना ताकि हमारे एक भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाओ, ठीक है। तो अब हम चालू करें। तो गाइस ये है मेरे पास हैमर, रोम रोम को किचन में यूज करता है ये वाला हैमर, किचन वाला, ठीक है। और ये रहे अपने बिस्किट। अब इन सब बिस्किट को क्या करेंगे कि सबको तोड़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। सारे बिस्किट को मैं तोड़ लूंगा अच्छे से दबा दबा के, जैसा भी हो, पूरे तरह से नहीं टूटेंगे तो भी चलेगा, बस इनको कुछ कुछ भी करके सारा तोड़ना है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले सब सारे बिस्किट को मैं तोड़ लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वीडियो स्पीड कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हमने सारे बिस्किट को ऐसे ऐसे पीस लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हैप्पी बेबी बिस्किट है इसका अपन आइसक्रीम बनाने करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया बहुत सारा दूध, ठीक है। अब यहाँ से पहले खोलते हैं इसको। अब डायरेक्टली इनको बिना मिक्स वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस पाउडर को डायरेक्ट मैं दोनों कंटेनर के अंदर खाली कर लेता हूँ, दोनों है। अब बिना सके से बिस्किट विस्किट है चलेगा तो भी कोई बात नहीं, आइसक्रीम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इसका अंदर जो भी था माल मटेरियल उन्होंने निकाल दिया है, और अब ये जो दूध है इसको इसमें डाल देंगे कुछ इस तरीके से, बस। और दूसरा भी दूध है इसको भी इसमें डाल देंगे, बस। ये दोनों कंप्लीट है, अब इन दोनों को साइड में सबको अच्छा फ्रिज में रख देंगे, फिलहाल बिस्कुट देता हूँ साइड में, ये दोनों आइसक्रीम कम्प्लीट है, ठीक है। और अब बचे हैं अपने ये मेन आइसक्रीम, और आइसक्रीम, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास पुरानी आइसक्रीम की डंडियाँ हैं जो कि हमने इकट्ठी करके रखी है, ये देखो ये आइसक्रीम की डंडियाँ सारी, अब इनको इसमें यूज लेंगे। सबसे पहला वाला पैकेट खोलते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर से अपन खोल लेंगे, कुछ इस तरह से खुल चुका है, और अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके अंदर अपने को ये दूध है सारा इसको तो डाल देना बस, सिंपली। ये पूरा भर चुका है और ये डंडी जो है अब इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, डाल दी, फर्स्ट आइसक्रीम रेडी है। और सावधानी से इसको कर देंगे खड़ा दीवार के सहारे, ठीक है। थोड़ी सी लीकेज भी हो रही है, पता नहीं जब हमने कुछ ठोका था तब ये हो सकता है क्रैक हो गया हो कहीं चीज़ है, तो ध्यान रखना कि क्रैक ना हो, और जहाँ से क्रैक नहीं हो उस तरफ से फाड़ना, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ से खोलते हैं, और अब इसके अंदर मैं भर दूंगा वापस दूध, और ये
तो ये दूसरी वैक्सीन कंप्लीट। अब इस तरह से मैं चारों आइसक्रीम जो बची हुई है तीनों उन सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको देखते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसको फिर मारेंगे। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो सारे आइसक्रीम यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है, सारे जमा करके अब एक एक करके इन सबको मैं फ्रिज में खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीजर के अंदर ये लिया और दीवार के सहारे सबको खड़ी करनी पड़ेगी। मैं पांचों को ऐसे खड़ी कर रहा हूँ, ये फर्स्ट। अब फ्रिज को हिलना नहीं, हिलाना नहीं बिल्कुल भी, ध्यान रखना। और अब अपने को लगभग 5-6 घंटे का तब वेट करना पड़ेगा, हो सकता है अगला दिन भी हो जाए। चलो जितना भी होगा अपन जमने के बाद इसको डायरेक्ट दिखा देंगे। और आप अगर आप लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, इसमें मेहनत लगती है और इसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो कर दो, अब एड मिलते हैं अपने डायरेक्ट जमने के बाद। 2000 years later। तो अब हो चुके पूरे एक दिन कंप्लीट। गाइस कल रात को वैसे 5-6 घंटे में जम चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि रात बड़ी हो चुकी थी और फिर वो भूल गए थे, फिर वो पड़ी रह गई, शॉर्ट वर्ट का देख नहीं पाए। और एक सीन में मतलब हुआ है कि एक तो डब्बे आइसक्रीम थी वो गायब हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, चलो बाकी के अपन देख लेते। ठीक है, को पैसा बर्बाद पे वो परफेक्टली जम चुकी है, मैंने पहले देख ली थी। ये वाले तो है अपने ओरियो, सॉरी जो भी हैप्पी हैप्पी बिस्किट था उसकी है। ठीक है, इसको मेन तो ये नहीं है, मेन तो अपन ने जो जमाई थी ये एकदम परफेक्ट जम चुकी है। देखो सारी जम चुकी है ये तो, बट अपन फिलहाल टेस्ट तो एक ही करेंगे ना, सारी तो टेस्ट करना चाहे। ठीक है, कुल मिला के सारी जम चुकी है, ये दिख रही है मेरे को। अब इनको मैं रखता हूँ साइड में और आपको बताता हूँ कि ये कैसी जमी है, कैसी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ ले लेते इसको। तो भाई यार अब आ चुका है मेन टेस्टिंग का टाइम। ये मैंने देखो टेबल पर रखी है इसको, हालांकि इससे मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है फिर भी, लेकिन चलो हम सोचा कि थोड़ा बहुत अलग ट्राई करते हैं। पूरा भूखा हुआ तो ट्राई करने से रहे, कुछ नया वो ट्राई कर लेते हैं। तो ये फूड भी नहीं रही है क्योंकि इसके अंदर दूध है, दूध पूरा बर्फ की तरह जम चुका है। वो मेरा टेस्ट करता हूँ वैसा खाया। कुछ पता नहीं चल रहा है, वापस वह टेस्ट करते इसको। ये लिया, कोई मतलब नहीं है इसको बनाने खाने का, आप भी ट्राई मत करना इसको, बकवास टेस्ट है। अब इसके ट्राई करते हैं अपन, अब इससे थोड़ी मेरे को उम्मीद है कि ये अच्छे काम करेगी क्योंकि दिलराज भाई ने कहा है। इसको फाड़ लेते हैं, जम भी गई अच्छे से, परफेक्ट जमी है ये बिल्कुल। ओह लुक भी बहुत अच्छा है इसका, दिख भी अच्छी। तो अब मैं जा रहा हूँ टेस्ट, तो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। बोलो डब्बे डब्बे वाली आइसक्रीम उसको ट्राई मत करना, हैप्पी हैप्पी वाली, बाकी इसका टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त लगे खाने में मेरे को। आप इसको ट्राई कर सकते हो, और दिलराज भाई की आइसक्रीम का सच में मैं तो दूंगा 10-10 स्टार, सच में बहुत अच्छी है आइसक्रीम। बाहर की आइसक्रीम आप खाते हो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बाहर वो लेके घूमते हैं, कैसे बनाते हैं उनका तो अपन कुछ कह नहीं सकते, अच्छी बुरे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट उसका कुछ भरोसा अपन कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये बनाओ बिस्किट तो आप ऐसे खाते हो, तो आइसक्रीम बना खाओगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप यही खाओ, और अगर टेस्ट अपने बहुत अच्छा है तो आप उसको प्लीज़ घर पर बना के जरूर खाइएगा, और खाने के बाद में वो कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। ठीक है, तो अब टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, मैंने वो खा के भी दिखा दिया और जमा के भी दिखा दिया, जम भी गई अच्छे से। तो आइसक्रीम अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपको हर के देखने को मिलती है ऐसी वीडियो। ठीक है, तो गाइस लाल बटन दबा देना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हमारी एक भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाओ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।